दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वालों की तरफ से, देश के सभी हिस्सों के लोगों की तरफ से जीएसटी काउंसिल में आवाज़ उठाती रही है। पहला जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आएगा वो है रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगने का मुद्दा। जैसा कि आपको पता है, अगस्त के महीने में देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी ना देने की वजह से शोकॉज नोटिसेस आए। 220 करोड़ के टैक्स देने का नोटिस आया। इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थान भी शामिल थे। केंद्र सरकार का कहना था कि जो रिसर्च ग्रांट्स आईआईटी दिल्ली को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स अन्य कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मिली हैं, 2017 से 2024 तक का जीएसटी उनको देना पड़ेगा। रिसर्च पर जीएसटी लगना बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाता हो। केंद्र सरकार कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक प्रस्ताव लेकर आ रही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं, चाहे वो 2000 रुपये से कम क्यों ना हो, उन पर भी 18% जीएसटी लगाया जाएगा। अब केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेके आ रही है कि चाहे ट्रांजैक्शन 5 रुपये का हो, चाहे 50 रुपये का हो, चाहे 1500 रुपये का हो, लेकिन पेमेंट गेटवेज पर किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा और 18% जीएसटी पेमेंट गेटवे को देना होगा। 2000 रुपये से कम के जो ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगने का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आ रही है, दिल्ली सरकार कल जीएसटी काउंसिल में उसका पुरजोर विरोध करेगी।